Hello students! Welcome to AGmic Academy. I'm your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion and we will be revising the concepts of the chapter through MCQs. All right. Topic for this lecture is chemical kinetics. Let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get more videos and uh, it will help you to revise the topic thoroughly. Alright. So, in the previous lecture, already some 22 questions on chemical kinetics have been discussed. Now, again, the stress will be on the basic concepts the difference between order and molecularity, and graphs of various orders, chemical reactions of various orders half life and uh, k calculation for various orders and even examples of first order second order or zero order even third order reactions we have to learn and uh, the clarity between activation energy and threshold energy what is the difference between the two uh, apart from that arrhenius equation and uh, rate constant uh, for a reaction at one temperature is known to us rate constant at some other temperature is to be calculated pre-exponential factor calculation from Arrhenius equation. All these things we have to take up through these questions. So let's start with today's work. The question number 23rd. The units of rate constant for the first order reaction is Rate constant K ka unit chahiye and it is a first order reaction. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन है सेकेंड इन वर्स मोल पर लीटर पर सेकेंड और मोल पर सेकेंड एंड लीटर मोल माइनस वन एंड सेकेंड माइनस वन देखो कैलकुलेशन जब रेट कांस्टेंट का पहले फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखते हैं आर इज इक्वल टू के इन टू ए रेस्टूपर वन ये फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग है अगर ये सेकंड ऑर्डर होता तो मैंने ए रेस्टोपार टू लिखना था ठीक है फर्स्ट ऑर्डर बोला है ना सो so, रेट के यूनिट्स हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड के के यूनिट्स हैं आपको वो कैलकुलेट करने और कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर में रेट के यूनिट कभी चेंज नहीं होते ऑर्डर कोई भी हो रेट के यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड ही रहते हैं तो यहां से आप के के यूनिट्स निकाल सकते हो ये मोल पर लीटर और मोल पर लीटर कैंसल एंड यूनिट्स ऑफ के विल बी सेकेंड इनवर्स इन दिस वे फर्स्ट ऑर्डर का के का यूनिट आ गया सेकेंड इनवर्स और ये हमारे को ऑप्शन ए में दे रखा है कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिनट इनवर्स हो या आर इनवर्स हो ठीक है टाइम इनवर्स जनरल एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट्स ऑफ के होता है कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पार वन माइनस एन पर सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पार वन माइनस एन तो वेयर एन इज दर तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो मोल पर लीटर हो गया एन यहां पर ऑर्डर है अगर हम एन को वन पुट कर दें एन को अब मैंने वन पुट कर देना है ये बन जाएगा मोल पर लीटर रेस टू पार वन माइनस वन पर सेकेंड वन माइनस वन तो जीरो हो गया एनीथिंग थिंग रेस टू पार जीरो इज वन तो आपके पास के का आंसर पर सेकेंड आ गया तो कहने का मतलब आप जनरल एक्सप्रेशन को अगर याद रखो तो किसी भी ऑर्डर के लिए आप के की यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हो ट इवन यहां पर जीरो पुट कर सकते हैं यहां पर फ्रैक्शन भी पुट कर सकते हैं ऑर्डर तो फ्रैक्शन भी होता है एन इक्वल टू हाफ भी ले सकते हैं तो ये आपके पास आंसर ए कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाई टेम्परेचर मकैनिज्म ऑफ रिएक्शन मॉलिकुलरिटी और प्रेशर ऑर्डर कौन डिसाइड करता है मकैनिज्म ऑर्डर कभी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलता ऑर्डर इज ऑलवेज ऑप्टेंड एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑलवेज ऑप्टेंड एक्सपेरिमेंटली थ्रू दी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन रिएक्शन के मैकेनिज्म से पता चलता है जैसे कि तीन स्टेप्स में चार स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है अगर कोई तो फिर जो स्लोएस्ट स्टेप के अंदर कंपोनेंट्स होंगे उनके ऊपर रेट डिपेंड करेगा मैकेनिज्म के थ्रू ही ऑर्डर पता चलता है एंथरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कोई प्रेशर का रोल नहीं है कोई टेम्परेचर का रोल नहीं है टेम्परेचर बदलने से कभी ऑर्डर चेंज नहीं होता कभी प्रेशर बदलने से चेंज नहीं होता तो आपका आंसर है ऑर्डर इज डिटर्मिंड बाय मॉलिक मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन

जनरल एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ इज दिस अब आपको फर्स्ट ऑर्डर दिया है तो आप एन को वन पुट करिए वन माइनस वन से ये जीरो आ गया ए रेस टू पार जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता एनीथिंग थिंग रेस टू पार जीरो वन होता है तो जब हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो तो टी हाफ का ये एक्सप्रेशन है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के तो ए तो नहीं आ रहा ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में टी हाफ ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है तो ए रेस टू पार जीरो मीन्स आपका आंसर बनेगा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन ये सी ऑप्शन में आंसर है ए रेस टू पार जीरो इज रिटर्न इन ऑप्शन सी इज इट ओके इसी तरीके से अगर ये कभी सेकेंड ऑर्डर आ जाए सेकेंड ऑर्डर के अंदर T half इज डायरेक्टली proportional टू a raised टू power वन minus n. अब मैंने n को पुट कर देना है टू तो ये हो गया raised to power minus वन मतलब कि T half इज इनवर्सली proportional टू a फॉर द second ऑर्डर रिएक्शन गॉट it? T half होता है इक्वल टू वन अपॉन a के फॉर सेकेंड ऑर्डर जैसे कि आपने फर्स्ट ऑर्डर में याद कर रखा है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपऑन के ऐसे second ऑर्डर का वन अपॉन ए के होता है इसी तरीके से किसी भी ऑर्डर के लिए आप रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड ए में कैलकुलेट कर सकते हो योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी ऑप्शन सी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे टी हाफ विल नॉट चेंज गॉट एट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आर स्क्रीन द केमिकल रिएक्शन ओज चेंजिंग टू ओ टू प्रोसीड्स एज ये रिएक्शन हो रहा है ओजोन से ओ टू फॉर्मेशन डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन तो यह दो स्टेप्स में हो रहा है एक फास्ट स्टेप है एक स्लो स्टेप है द रेट लॉ एक्सप्रेशन शुड बी देखिए पहले हमारा ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं किस तरह से हम रेट लॉ निकालेंगे मकैनिज्म है कि रिएक्शन दो स्टेप्स में हो रहा है फर्स्ट ओजोन डीकम्पोजिशन टू गेव O2 टू एंड नेसेंट ऑक्सीजन एटम उसके बाद ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये दूसरे ओजोन के मॉलिक्यूल से कंबाइन करता एंड ओ टू प्रोड्यूस्ड तो एक फास्ट स्टेप था एक स्लो स्टेप था दोनों को हमने मैंशन कर दिया ऑर्डर हम कैलकुलेट करने के लिए स्लो स्टेप का हेल्प लेंगे रेट इज डिटर्मिंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप को देखते हुए ये हो गया नेसेंट ऑक्सीजन एटम एंड ओजोन मॉलिक्यूल राइट तो ओ एटम ना तो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है इंटरमीडिएट की टर्म्स में कभी रेट एक्सप्रेस नहीं होता है तो आप इसको चेंज करोगे फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन पहले इसका के रेट कांस्टेंट लिख लेते हैं ओ एंड ओ थ्री उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन वन ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो फास्ट स्टेप है वो इक्विलिब्रियम में है आई कैन राइट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सो नेट ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये बन गया क्लियर तो नेस एंड ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई अब हम इसको इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे जो आपकी मेन इक्वेजन है उस पर मैंने स्टार डाल दिया सो सब्सटीट्यूट दैल्यू ऑफ ओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ इन इक्वेशन मार्क्ड एज स्टार उस इक्वेशन में हम इसको ले जाते हैं इक्वेशन थी आर इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू के इंटू नेट ऑक्सीजन इंटू ओजोन उसमें अगर मैं इसको एड कर दूं तो ने सेंट ऑक्सीजन की जगह बन गया के इक्विलिब्रियम फिर ओजोन फिर एक और ओजोन उसके बाद डिनोमिनेटर में ओ टू इट मीन्स दोनों कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करके एक नया कॉन्स्टेंट बना ओजोन जोन स्क्वेयर एंड ओ टू रेस टू पार माइनस वन ये आपका फाइनल आंसर रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू इट मीन्स बी ऑप्शन आंसर बनेगा ओ टू के साथ माइनस वन एंड ओ थ्री के साथ स्क्वायर माइनस वन का क्या मीनिंग है कि जब आप ओ टू का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दोगे रेट बढ़ जाएगा अगर ओ टू का कॉन्सेंट्रेशन कम करें तो उल्टा रेट बढ़ गया है तो इट मीन्स इट इज नेगेटिव ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओ टू बट ओजोन के साथ ये सेकेंड ऑर्डर है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफी बार आ जाता है डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन स्लोएस्ट स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट को लिख के बाद में चेंज करना है लेट्स कम टू नेक्स्ट नाउ ट्वेंटी सेवंथ विच प्लॉट कैन गिव अस द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए किस किस कंपोनेंट के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे इक्वेशन का हेल्प लेंगे ए इज इक्वल टू के सॉरी द इक्वेशन इज के इज इक्वल टू ए रेस टू पार माइनस आर टी रेट कॉन्स्टेंट के कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन होती है दिस इक्वेशन

यहाँ इन दोनों के बीच में तो प्लस का साइन आना था प्लस का साइन क्यों आना था क्योंकि लॉग ए इंटू लॉग बी क्या बन जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई आफ्टर दैट किसी भी ऑप्शन में एल एन नहीं लिखा है लॉग लिखा है रादर तो लॉग टू द बेस टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग टू द बेस टेन ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एनी नंबर क्या होता है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू लॉग ऑफ एक्स ये रिलेशन होता है तो अब आप क्या करिए ग्राफ के अंदर वाई एक्सिस पे रखेंगे लॉग के को वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये वन अपॉन टी जो है ये हम प्लॉट कर देंगे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे लॉग के तो ग्राफ इन इस तरीके से बनेगा लॉग के आप ले रहे हो लेफ्ट साइड पे और वन अपॉइट टी ले रहे हो यहां लॉग के यहां और स्ट्रेट लाइन आएगी विद द नेगेटिव स्लोप इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी स्लोप से निकलेगी स्लोप एम इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर तो यहां से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो अगर आपको स्लोप का पता है तो क्लियर तो ऑप्शन पे आइए क्वेश्चन था कि कौन से वैल्यू प्लॉट से एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी हमारा आंसर है सी वेरी इंपॉर्टेंट लॉक के वर्सेज वन अपॉन टी का ग्राफ होना चाहिए ऐसा न्यूमेरिकल भी आता है जैसे कि स्लोप का वैल्यू दे देंगे टू हंड्रेड या थ्री हंड्रेड या फोर फाइव कुछ भी वैल्यू देके आपको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए तो आप ये रिलेशन यूज करोगे स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ आफ्टर ट्वेंटी सेवन आपका क्वेश्चन ट्वेंटी एट द रेट ऑफ रिएक्शन ये कंपाउंड है क्लोरल सी सी दिस इज कॉल्ड एज क्लोरल ये क्लोरल एनओ NO के साथ कंबाइन करता है और क्लोरोफॉर्म बन रहा है प्लस एनओ एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दिस रिएक्शन रेट इज गिवन बाय R इज इक्वल टू के इनटू क्लोरल इनटू एनओ इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर द यूनिट्स ऑफ K NO. R K, K के यूनिट्स हमें कैलकुलेट करने हैं जनरल जो एक्सप्रेशन इक्वेशन रेट का दिया है वो ये है सी सी एल थ्री सी एच ओ एंड एन ओ मतलब कि ये सेकेंड ऑर्डर हो गया इसके ऊपर भी वन है इसके ऊपर भी वन है आपको यूनिट्स निकालने हैं तो के तो यहाँ हम लेफ्ट पे रेट के यूनिट्स लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड के के यूनिट्स पता करने हैं और एक कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में दूसरे की भी मोल पर लीटर में तो ये के के यूनिट्स आप कैलकुलेट करिए लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वेट करते हुए ये आ जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड सेकेंड ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर के यूनिट्स बनते हैं लीटर पर मोल पर सेकेंड तो आंसर है सी ऑप्शन थिंग्स आर क्लियर तो कंपोनेंट्स दो है या तीन है या चार है उससे फर्क नहीं पड़ता रिएक्टेंट कुछ भी हो सकते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो रेट लॉ से आता है रेट लॉ के अंदर क्या दिख रहा है कि इस क्लोरल के साथ है और NO के साथ भी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके एक यूनिट निकाल सकते हो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन इंपॉर्टेंट है ये द रेट कॉन्स्टेंट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर हीनियस पैरामीटर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर गिवन एंड द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इज देखो इक्वेजन है के इज इक्वल टू ए रेस टू पार माइनस ई ए अपॉन आर टी ये आरहीनियस इक्वेजन है तो हमें कंडीशन लगाना है टी टेंस टू इन्फिनिटी पहले तो नेचुरल लॉग लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ के ताकि एक्सपोनेंशियल हट जाए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी सबको याद रखना है नेचुरल लॉग ऑफ ई इज नथिंग बट वन गॉट इट नेचुरल लॉग ऑफ ई वन हो गया उसके बाद टी टेंड्स टू इंफिनिटी दे रखा है टी टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब के विल बी इक्वल टू ए सो इक्वेशन में ये पैरामीटर आ गया एल एन के इज ए बिकॉज टी टेंड्स टू इंफिनिटी तो फिर ये ये पैरामीटर आपका खत्म हो गया ना इ अपॉन आर टी वाला ये पैरामीटर खत्म होने से इक्वेशन रिड्यूस होगी एल एन के इज इक्वल टू एल एन एंस के इज इक्वल टू ए के का वैल्यू हमें निकालना था और ए दे रखा है आरहीनियस पैरामीटर की वैल्यू क्वेश्चन में चेक करते हैं आरहीनियस पैरामीटर का वैल्यू दिया है सिक्स इंटू टेन रेस टू पार फोर्टीन पर सेकेंड तो वही आपका आंसर बन जाएगा जो के है वही ए बनेगा तो इट इज इक्वल टू सिक्स इन टेन रेस टू पार फोर्टीन पर सेकेंड वॉट इट क्योंकि के और ए दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी सिक्स इन टेन रेस टू पार फोर्टीन इज गिवन टू अस गॉट इट कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी द गिवन फिगर डिपेक्ट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज एक्स एंड वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू करव रेप्रेजेंट दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या शो करता है क्या वो टी हाफ है या टी थ्री बाई फोर है टी टू बाखिए सिंपल क्वेश्चन में हमारा जो रिएक्शन है उसको देखते हैं एक्स चेंजिंग टू वाई एक्स से जब वाई बनता है तो ये वाले पॉइंट के ऊपर हमें इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बोला है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है जिसको मैंने रेड कलर से टिक कर दिया उस पॉइंट पे क्या ये टी हाफ है या टी थ्री बाय फोर है लेट्स टेक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एज ए फॉर द रिएक्टेंट ए में से कुछ अमाउंट रिएक्ट कर गया आफ्टर टाइम टी ये बन गया ए माइनस एक्स और ये रह गया एक्स ए एक्स बच गया और वाई के एक्स मोल्स बन गए अब ग्राफ से हमें दिख रहा है ना कि a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इस टाइम के ऊपर ये दोनों इक्वल है क्या मीनिंग है एज इक्वल टू टू एक्स x इज इक्वल टू ए बाई टू एक्स क्या चीज होती है अमाउंट रिएक्टेड को x कहते हैं कितना अमाउंट रिएक्ट हो चुका है दैट इज हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो जिस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन आधी रिएक्ट हो गई और आधी पीछे बच गई उसको टी हाफ कहते हैं सो दिस इज रेप्रजेंटिंग टी हाफ एट टी इज इक्वल टू टी हाफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बाय टू मतलब एक्स इज इक्वल टू ए बाय टू करना था एक्स इज दउंट लेफ्ट अमाउंट और रिएक्टेड अमाउंट दोनों हाफ हो जाती है जैसे कि 100 ग्राम से स्टार्ट किया तो 50 50 ग्राम ग्राम रिएक्टेड अमाउंट एंड इज द लेफ्ट अमाउंट तो जो लेफ्ट अमाउंट होती है उसका सिंबल होता है ए माइनस एक्स और जो अमाउंट रिएक्ट हो जाती है उसका सिंबल एक्स होता है जो इनिशियल होती है उसका सिंबल ए होता है तो इन दिस वे अलग अलग पैरामीटर से ग्राफ के थ्रू हमने देख लिया कि ये वाला जो टाइम है टी इट इज नथिंग बट टी हाफ किस तरह से प्रूव करना है कि आप ये कंडीशन लगाओ कि ये इक्वल है ग्राफ से दिख रहा है ए माइनस एक्स एंड एक्स आर इक्वल सो इट इज इक्वल टू टी हाफ मीन्स यू हैव द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन ए गोट इट क्लियर कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन थर्टी वन फॉर द रिएक्शन एन टू ओ फाइव चेंजिंग टू एन टू एंड हाफ ओ टू थ्री की टर्म्स में हमें कुछ कुछ डेटा दिया है के वन के थ्री के टू एंड रिलेशन निकालना है बिटवीन के वन के टू एंड के थ्री लेट्स स्टार्ट राइटिंग अवर रिएक्शन ये रिएक्शन था एन टू ओ फाइव चेंजिंग टू टू मोल ऑफ एन ओ टू प्लस हाफ ओ टू तो हम अपने हिसाब से रेट लिखेंगे माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ एन टू ओ फाइव इज इक्वल टू वन बाय टू स्टोक्योमेट्रिक क्विशेंट आर डिवाइडेड और प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन लगेगा रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन लगेगा टू अपॉन डी टू इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ ओ टू ठीक है तो अब देखो एन टू ऑफ फाइव के लिए वैल्यू दी है के वन यहां से क्वेश्चन से चेक करो फॉर एन टू ओ फाइव इट इज गिवन टू यू एज के वन इंटू एन टू ओ फाइव तो मैंने यहां लिख देना है इसकी जगह के वन इंटू एन टू ओ फाइव फिर आगे चलते हैं d अपॉन डी टी ऑफ एन ओ टू को क्या दिया है के टू इंटू एन टू ओ फाइव फिर आगे ओ टू के लिए के थ्री इंटू एन टू ओ फाइव के थ्री इंटू एन टू ओ फाइव तो क्या रिलेशन बनेगा टू से मल्टीप्लाई करो ये एन टू फाइव तो कॉमन है सब जगह हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो गई ये बन गई के वन इक्वल टू के टू बाई टू इक्वल टू टू के थ्री तो ये बन गया टू के वन इक्वल टू के टू इक्वल टू फोर के थ्री ये रिलेशन है तीनों के बीच में के वन के टू के थ्री के बीच में हमें रिलेशन कैलकुलेट करना था रिलेशन फाइंड आउट करना था आपका आंसर है टू के वन के टू फोर के थ्री ऑल आर इक्वल इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन काफी बार एंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन से पहले आप रेट को खुद से एक्सप्रेस करो फिर के वन के टू की टर्म्स में लिखेंगे और उनके अंदर हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन थर्टी टू द ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड टाइम फॉर ए टू बी इज गिवन द ग्राफ बिटवीन डी ए अपॉन डी टी वर्सेज टाइम मतलब हमें ग्राफ डिपेक्ट करना है और क्या दिया है ग्राफ जो पहले ग्राफ दिया है वो ये है एक्स वर्सेस टी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रही है लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है ये है जीरो ऑर्डर ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू के टी आई कैन से हमने देख लिया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्वेश्चन ने सीधा सीधा तो दिया ही नहीं था कौन सा ऑर्डर है ग्राफ दिया था ग्राफ से आपने देखा कि ये जीरो ऑर्डर है बिकॉज जीरो ऑर्डर का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू के टी ठीक है अब हमें ग्राफ डिपिक्ट uh, करना है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन बिटवीन रेट वर्सेस टाइम डी अपॉन डी टी वर्सिस टाइम कैन आई से फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट चेंज नहीं होता है रेट कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ साथ रेट नहीं बदलेगा तो रेट क्या चीज है माइनस डीए अपॉन डी टी सो माइनस डी ए अपॉन डी टी वर्सेज टाइम विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरल टू एक्स एक्सेज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर के अंदर आपके पास ग्राफ आ रहा है सी के अंदर सी ऑप्शन में ये ग्राफ दिया है जो हमने ड्रॉ किया जीरो ऑर्डर को लेके क्लियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ग्राफ के ऊपर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि किस तरह से ऑर्डर कैलकुलेट करना है लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्टी थ्री द एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर गिवन फॉरवर्ड रिएक्शन का 180 रिवर्स रिएक्शन का 200 ये एक्टिवेशन एनर्जीज के वैल्यूज हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिए बाई हंड्रेड किलोजूल्स जब कैटलिस्ट डल जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है द एंथेलपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विल बी तो देखिए जो कैटलिस्ट है किस तरीके से रिएक्शन के अंदर रोल प्ले करता है हम पहले एक्टिवेशन एनर्जीज़ को ड्रॉ करते हैं कैटालिस्ट को बाद में लेके आएंगे फॉरवर्ड का 180 है बैकवर्ड का 200 है ये ग्राफ बनेगा फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी यहां से डिपिक्ट हो रहा है और बैकवर्ड का यहां से डिपिक्ट हो रहा है दिस इज 200 दिस इज 180 कहने का मतलब कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तभी तो बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिया हुआ है अब हमने कैटलिस्ट डाल दिया कैटलिस्ट तो एक नया रूट प्रोवाइड कर देता है न्यू पाथवे विल बी प्रोवाइडेड बाय द कैटालिस्ट उससे दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा ये जो है हंड्रेड यूनिट कम हो रहा है फॉरवर्ड का भी बैकवर्ड का भी हंड्रेड यूनिट कम करने का मतलब अब फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी एक सौ अस्सी नहीं हुआ अब वो एट्टी यूनिट्स रह गया सिर्फ एट्टी किलो जूल पर मोल और बैकवर्ड का देखते बैकवर्ड का 200 था अब वो 100 रह गया सो so, 100 यूनिट मैंने दोनों में से कम कर दिया डेल्टा एच कैलकुलेट करना है डेल्टा एच इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एच इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दी फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड का वैल्यू है 80 बैकवर्ड का रिएक्शन वैल्यू है 100, डेल्टा एच इज माइनस ट्वेंटी माइनस इज इंडिकेटिंग दर्मिक रिएक्शन ही बार बार यूज होता है डेल्टा एच और दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड गॉट एट सो आंसर है ऑप्शन ए माइनस ट्वेंटी इज द वैल्यू ऑफ एंथेलिपी चेंज इंपॉर्टेंट था सिंपल था कि जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो कैटलिस्ट दोनों की कम करेगा फॉरवर्ड की भी और बैकवर्ड की भी तो डेल्टा एच चेंज नहीं होता कैटालिस्ट के डालने से चाहे आप विदाउट कैटलिस्ट वाले से कैलकुलेट करो विदाउट कैटलिस्ट कैलकुलेट करोगे तो 180 एटी माइनस टू आएगा तो भी माइनस ट्वेंटी ही वैल्यू आनी है सो कैटालिस्ट विल नॉट ये मेन पॉइंट है कैटालिस्ट वन सेकेंड वी कैन राइट कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द डेल्टा एच वैल्यू इट डज नॉट चेंज डेल्टा एच वैल्यू ऑफ द रिएक्शन रिएक्शन का डेल्टा एच को कैटालिस्ट चेंज नहीं करता है सो आंसर है ए ऑप्शन कम टू द नेक्स्ट वन नाउ क्वेश्चन थर्टी फोर अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ़ ए सब्सटेंस बिकम्स हाफ इन 40 सेकेंड्स एंड 20 सेकंड्स थ्रू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब कि पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ये है अब ये कोई रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों तरीके से किया जा रहा है टी हाफ इज 40 सेकेंड अगर ये फर्स्ट ऑर्डर हो और अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है देन टी हाफ इज ट्वेंटी सेकेंड तो आपको कैलकुलेट क्या करना है द रेशो ऑफ के वन एंड के टू फॉर द रेट कॉन्स्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कॉन्स्टेंट है वो है के वन जीरो ऑर्डर का रेट कॉन्स्टेंट है के टू ये क्वेश्चन में दिया है इस रेशो को कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की जो रेशो है वो हमें कैलकुलेट करनी है ठीक है तो हम क्या करेंगे टी हाफ से के निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले हम के निकाल लेते हैं फिर हम सेकंड ऑर्डर का के निकालेंगे बाद में रेशो लेंगे तो इट इज इक्वल टू के इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन टी हाफ मतलब ये हो गया पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन फोर्टी वन है सिंबल फर्स्ट ऑर्डर का जीरो ऑर्डर के लिए पुट करेंगे तो जीरो ऑर्डर का के और इनिशियल का टी हाफ के साथ क्या रिलेशन होता है K is equal to one by T, उसके बाद ए नॉट माइनस ए ये जनरल एक्सप्रेशन लिखा है अभी अभी हम इसको टी हाफ में कन्वर्ट करें अगर तो मैंने टी को टी हाफ ले लिया कैन आई सेक्वल टू हाफ लाइफ टाइम

K2 दिया है तो K2 टू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर्टी अब दोनों का रेशो ले लेते हैं द रेशो ऑफ K1 वन अपॉन के टू इज के कितना आया था ये चेक करो K1 था पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन फोर्टी के में हम लिखेंगे पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन फोर्टी और K2 के लिए 1.386 पॉइंट डिनोमिनेटर में 40 को आप ले जाओगे न्यूमरेटर में आफ्टर कैंसलेशन आपके पास जो रेशो आती है वो आएगी 0.5 पॉइंट फाइव पॉइंट मीन्स ऑप्शन पे आते हैं हमारी ऑप्शन क्या दिखा रही हैं पॉइंट फाइव इज आंसर फॉर ए अब आप यूनिट्स को भी देखो फर्स्ट ऑर्डर का जो K था उसके यूनिट होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के पर सेकेंड यहां मेंशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के K के के यूनिट्स हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर या नीचे लिख देते हैं यहां स्पेस कम है आई कैन राइट द यूनिट्स सेपरेटली फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट्स हो गए पर सेकेंड अब सेकेंड ऑर्डर दूसरा तो जीरो ऑर्डर है जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट्स होते हैं के के मोल पर लीटर पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल हो गया तो हमारे पास इस रेशो के जो यूनिट्स आएंगे यूनिट्स ऑफ द रेशो विल बी इक्वल टू लीटर पर मोल लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं सो डेसीमीटर क्यूब पर मोल अब ऑप्शंस में चेक करो कि हमने जो आंसर दिया उसके यूनिट्स भी मैच होने चाहिए ना तो आ रहा है डेसीमीटर क्यूब और मोल रेस टू पार माइनस वन हेंस ए ऑप्शन इज द आंसर गॉट इट ए इज द आंसर लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर

दोनों निकालिए तो क्या तरीका है आरहीनियस इक्वेशन यूज करेंगे माइनस e e और जो जो गिवन है वो पहले लिख लेना चाहिए हमारे को एक इक्वेशन दी है लॉक के इज इक्वल टू माइनस टू थाउजेंड अपॉन टी दिस इक्वेशन इज गिवन टू अस लॉक के इज इक्वल टू माइनस टू थाउजेंड वन अपॉन टी प्लस सिक्स ये इक्वेशन आपको दे रखी है तो हम क्या करेंगे नेचुरल लॉग लेते हैं ताकि एक्सपोनेंशियल हट जाए नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए प्लस ई ए अपॉन आर टी बट ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव साइन है ना ई ए के आगे माइनस ई ए अपॉन आर टी ठीक है उसके बाद अब देखो कंपेयर करना पड़ेगा पहले लॉग बना लो लॉग टू द बेस टेन बना लिया इट इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इनटू टी तो अब हम अपनी इक्वेशन को मैच uh, करते हैं दोनों पैरामीटर्स को मैच करिए ये बनेगा लॉग के इज इक्वल टू ये सिक्स है और ये है माइनस टू थाउजेंड वन अपॉन टी अब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कंपेयर करना था तो ये तो आ रहा है सिक्स और ये वन अपॉन टी को करो सेपरेट वन अपॉन टी मैंने सेपरेट कर दिया तो दो चीजें दिख रही हैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पे कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस कैन आई राइट लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू सिक्स लॉग ए इक्वल टू सिक्स मीन्स ए इज इक्वल टू टेन रेस टू पार सिक्स एक तो फैक्टर आ गया ए दूसरा आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी निकालनी थी तो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इज इक्वल टू टू थाउजेंड ठीक है अब यूनिट्स क्या है एक्टिवेशन एनर्जी के वो ऑप्शंस में देखना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में देनी है तो आर को हम किलो जूल पर मोल में ही पुट करेंगे टू थाउजेंड इंटू टू पॉइंट थ्री जीरो इंटू एट पॉइंट थ्री फोर बट ये जूल है ना सो डिवाइड बाय वन ताकि ये किलोजूल के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा थर्टी आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट इज इक्वल टू थर्टी किलो जूल पर मोल So, दो आंसर आए एक हमें आरहीनियस पैरामीटर ए का आंसर निकालना था एक एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर निकालना था तो दोनों चीजें एक आ रहा है टेन रेस टू पार सिक्स दूसरा आ रहा है थर्टी एट पॉइंट थ्री यूनिट आर इन किलो जूल पर मोल सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्टी सिक्स कंसिडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी दी है कुछ दो पार्ट्स कर रखे हैं एक ई वन और एक ई टू ठीक है तो आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे फिर करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड इज ई वन प्लस प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट देखो फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ये है ना कैन आई से दिस मच इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिए वन प्लस ई टू ही है

स्टेबल दी रिएक्टेंट्स, गॉट इट तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमें करेक्ट दिख मिल गया कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज ई वन प्लस ई टू एंड अगर कोई आपको बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी पूछता है तो फिर आंसर है ई वन बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ ई वन है तो so, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी ऑप्शन में लिखा है फॉरवर्ड इज दिस दिसन प्लस ई टू बट प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट जो कि गलत है प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं है कम स्टेबल है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज इजन प्लस ई टू सी स्टेटमेंट तो गलत हो गया दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी ईवन प्लस तो नहीं आ रहा फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इज ईवन एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल दैट इज रॉन्ग प्रोडक्ट तो कम स्टेबल है ये ठीक है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इज ईवन दैट इज करेक्ट तो आधी स्टेटमेंट ठीक है डी में आपको करेक्ट आंसर ए के अंदर मिल रहा है प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल बिकॉज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन थर्टी सेवन ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है बट हमें प्रेशर की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन इज कंसिडर दर्स्ट ऑर्डर गैस फेज डीकम्पोजिशन रिएक्शन गैस फेज डीकम्पोजिशन है और फर्स्ट ऑर्डर है ए इज चेंजिंग टू बी प्लस सी सारे कंपोनेंट गैसेस हैं

ये आपका रिएक्शन था इज चेंजिंग टू बी एंड सी फिर इनिशियल इसकी वैल्यू है पी आई स्टार्ट किया तो सिर्फ रिएक्टेंट थे प्रोडक्ट्स तो नहीं होते हैं बिगनिंग में। उसके बाद प्रोडक्ट्स अपीयर होना शुरू होते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्ट कर गया समझ लो एक्स अमाउंट रिएक्ट कर गया आफ्टर टी टाइम तो ये भी एक्स बनेगा और ये भी एक्स बनेगा एज अ रिजल्ट टोटल प्रेशर पी टी इज इक्वल टू पी आई टोटल जब टी टाइम निकल जाएगा तब हमारे पास ये तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट हैं. ए कितना प्रेजेंट है पी आई माइनस एक्स बी एक्स है सी बी एक्स है तो एक्स और एक्स कैंसल टोटल प्रेशर आ गया पी आई माइनस एक्स के इक्वल कैन आई कैलकुलेट एक्स फ्रॉम हेयर एक्स विल बी इक्वल टू पी आई माइनस पी टी गॉट इट अब यहां पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का हमारा जनरल इक्वेशन होता है 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स तो ए इनिशियल प्रेशर है जो कि पी आई है डिनोमिनेटर में पी आई एक्स की जगह लिख देंगे पी आई माइनस पी टी तो ये इक्वेशन बन रही है लॉग ऑफ पी आई अपॉन pi minus pi plus pt कुछ-कुछ पैरामीटर्स कैंसिल हो रहे हैं सो वी हैव मेड अ स्मॉल मिस्टेक देखो यहां पे एक मिस्टेक करी है हमने ये था pt pi minus x नहीं है ये pi plus x है यहां पे plus x तो x will be equal to अब मुझे x कैलकुलेट करना है तो वो बन जाएगा pt minus pi एक्स की जगह आप लिखोगे पीटी माइनस पी आई तो जब एक्स पुट करना है ये पी टी माइनस पी आई अब हम ब्रैकेट खोलेंगे इसको क्लियर लिख देते हैं पीटी माइनस पी आई है ये पी टी माइनस पी आई अब जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये है माइनस पी टी एंड प्लस पी आई चेक कर लो ठीक से माइनस पी टी एंड प्लस पी आई विच एज कमिंग आउट टू बी पी आई अपॉन टू पी आई माइनस पी टी एंड टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी हर बारी आ रहा है लेफ्ट पे आपकी इक्वेशन बन रही है के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई लॉग पी आई अपॉन टू पी आई माइनस पी टी कमिंग टू दी ऑप्शन ऑप्शन को देखते हैं तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में आंसर है पी आई अपॉन टू पी आई माइनस पी टी फिर से चेक कर लो आंसर लॉग में क्या आना चाहिए पी आई अपॉन टू पी आई माइनस पी टी इट इज कमिंग पी आई अपॉन टू पी आई माइनस पी टी गॉट इट तो सिंपल होता है बस ए और एक्स को चेंज करके प्रेशर की टर्म्स में लिखना होता है इनिशियल प्रेशर पी आई है एट टाइम टी इट इज पी टी तो आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट ऑफ आ रिएक्शन डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज बहुत अच्छे से ठीक से सुनिए इम्पॉर्टेंट बात है ये कि टाइम जैसे जैसे पास होता है तो कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो नहीं है टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन जब कम होगी रेट भी कम होता है किसी भी रिएक्शन का रेट जो है ए चेंजिंग टू प्रोडक्ट है बिगनिंग में तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फुल ए प्रेजेंट है लेट से कि आपने 100 ग्राम से रिएक्शन स्टार्ट किया टाइम के पास होते ही ये 98 ग्राम बनेगा ये 90 बनेगा ये 45 पे पहुंचोगे ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है एवरी टाइम कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग एवरी मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग तो रेट तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ मास एक्शन रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर तो जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है इट मीनस फिर रेट भी कम होगा बहुत जरूरी पॉइंट था ये रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम टाइम के साथ साथ उतना रेट नहीं रहता जो बिगनिंग में होता है ये कम होता जाता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है सो फर्स्ट पॉइंट ही करेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद पैसेज ऑफ टाइम एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस आगे लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन ये गलत है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज ये भी गलत है टेम्परेचर तो बढ़ेगा तो पोल्यूशन ज्यादा होंगी तो रेट भी बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ये गलत है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर रेट बढ़ेगा ना डिक्रीज थोड़ी ना होना है सो so, आपका आंसर है ए ऑप्शन ये एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन था बट हम इसमें मिस्टेक कर जाते हैं बी केयरफुल लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी एक रिएक्शन का आपको रेट लॉ दिया है आर इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी ओवरऑल रिएक्शन ये था ओवरऑल रिएक्शन में हमें क्या गिवन था ए प्लस टू बी चेंजिंग टू सी तो ये आपको रेट लॉ दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट क्या रेट कॉन्स्टेंट के सेम रहेगा या डबल होगा या क्वाड्रप्पल या हाफ देखिए के जो होता है रेट कॉन्स्टेंट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के चेंजेस विद टेम्परेचर के इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के का रोल जो है उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं आती के डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर जैसे कि आप अर्नियस इक्वेजन में देखते भी हो डिपेंडेंस ऑफ के ऑन टेम्परेचर इज गिवन बाई दिस इक्वेजन राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर डिपेंड नहीं होता तो ए को डबल करो या बी को डबल करो रेट कॉन्स्टेंट डबल ट्रिपल कुछ नहीं होगा वो सेम रहेगा योर आंसर इज ऑप्शन ए कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्टी द क्वेश्चन इज अ अबस्टेंस अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन इट फॉलोज टू पैरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी प्लस सी बन रहा है जैसे कि कभी हम किसी मॉलिक्यूल का नाइट्रेशन करते हैं लेट्स से कि फिनोल का नाइट्रेशन किया तो ऑर्थो नाइट्रो भी आ गया पैरा नाइट्रो भी आ गया मतलब दो प्रोडक्ट आ गई। कितने परसेंट आएंगे ऑर्थो का परसेंटेज क्या है पैरा का क्या है ये निकालना है ए से बी और सी दोनों बनते हैं तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी वी हैव टू कैलकुलेट मतलब कितने परसेंट आपके पास बी आ रहा है कैन आई राइट परसेंटेज ऑफ बी बी का रेट कांस्टेंट के1 है इट विल बी के1 अपॉन के1 के2 100 एक का कैलकुलेट करो दूसरे का तो हंड्रेड से माइनस करके भी आ जाएगा क्योंकि दो ही प्रोडक्ट है ना तो इट इज के टू अपॉन के वन प्लस के टू मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड के वन का वैल्यू वन पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन रेस टू पार माइनस फोर परसेंटेज ऑफ बी इज वन पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन रेस टू पार माइनस फोर डिनोमिनेटर में भी के वन आएगा पर डिनोमिनेटर में प्लस करके K2 वो है 1.38 into 10 raise टू power minus five क्वेश्चन में चेक करो 1.38 नहीं है 3.8 है इट इज 3.8 3.8 मुझे लिखना है तो दोनों के यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा एक 10 raise टू power minus four में एक 10 raise to power minus five में यूनिट्स को सेम करने के बाद आप कैलकुलेशन करिए डिवाइड करिए परसेंटेज ऑफ बी आ जाएगा 76.83 परसेंट मतलब कि पहले हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आए तो एक आ गया 76.83 तो दूसरा हो जाएगा 100 से माइनस करके 23.3 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 100 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी एज वेल एज सी तो हमारा आंसर है 76.83 एक का और 23.17 दूसरे का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही है याद रखने की बात यह है कि कितने परसेंट एक कंपोनेंट आता है वो उसके रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है हमने के वन अपॉन के वन प्लस के टू कर दिया दोनों के रेट कांस्टेंट डिनोमिनेटर में और जिसका कैलकुलेट करना है वो न्यूमरेटर में लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन फोर्टी वन एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ

ये हो गया टू सी बी रेस टू पार हाफ मतलब अंडर रूट है ये टू सी ए अंडर रूट टू सी बी ये आपके पास वैल्यूज आ गई तो आर इज इक्वल टू के अभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था पहले कांस्टेंट लिख दो टू रूट टू इन टू सी ए अंडर रूट ऑफ सी बी ये नया रेट है दिस इज द सेकेंड वन और ये आपका पहला था अब दोनों का रेशो ले लेते हैं आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू के तो कैंसल हो जाएगा टू रूट टू अपॉन वन सी अंडर रूट सी बी डिवाइडेड बाय सी अंडर रूट सी बी जो टर्म्स कैंसल होती हैं वो हम कैंसल कर देंगे आर टू अपॉन आर वन का वैल्यू जो है टू रूट टू इट इज टू रूट टू तो हमारे पास आंसर बनता है ऑप्शन सी के अंदर जब आपने ए और बी को डबल किया रेट कितने गुना बढ़ गया रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ टू रूट टू फोर्टी टू क्वेश्चन क्या है स्टार्टिंग विद मोल ऑफ कंपाउंड ए इट इज फाउंड दैट द रिएक्शन इज थ्री फोर्थ कंप्लीटेड इन वन आर कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट इफ द रिएक्शन फॉलोज सेकेंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर के तो काफी क्वेश्चन आपने किए सेकेंड ऑर्डर के लिए के कैसे कैलकुलेट होता है वन अपॉन टी वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए नॉट ये एक्सप्रेशन हमें याद होना चाहिए तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा तो आप क्या करोगे टाइम दिया है वन आवर एक घंटे में ये थ्री फोर्थ कंप्लीट हो जाता है इट मींस फिर वन बाय फोर्थ रह गया ना इज वन मोल पर लीटर अगर ए नॉट इनिशियल वन मोल पर लीटर हो तो थ्री बाय फोर इज कंप्लीटेड दे आर फोर ए इज द लेफ्ट अमाउंट वन में से थ्री बाय फोर माइनस कर दो तो वन बाय फोर इज द लेफ्ट आउट अमाउंट तो ए की जगह हम पुट कर देंगे वन बाय फोर इक्वेजन के ऊपर आते हैं के इज इक्वल टू वन बाय वन सॉल्व करोगे फोर न्यूमरेटर में जाएगा तो के का वैल्यू आ गया इक्वल टू थ्री के इक्वल टू थ्री मीन्स ऑप्शन ए ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन का आंसर सेकेंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन ठीक से लगाना है उसके बाद के कैलकुलेट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस ए फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स इज फाइव डेज फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में हाफ लाइफ है पांच दिन स्टार्टिंग विद हंड्रेड ग्राम ऑफ सब्सटेंस अमाउंट लेफ्ट आफ्टर फिफ्टीन डेज इज टी हाफ हमें कितना दिया है फाइव डेज और फिफ्टीन डेज बाद कितना बचा वो बताना है तो फिफ्टीन डेज मीन्स हाउ मैनी हाफ लाइफ्स फिफ्टीन अपॉन फाइव कर देंगे थ्री हाफ लाइफ्स आ गई थ्री हाफ लाइफ आपको गिवन है और हंड्रेड ग्राम से आपने स्टार्ट करना है कैन आई से द अमाउंट लेफ्ट हमें कैलकुलेट करनी है ये रिलेशन यूज करेंगे लेफ्ट अमाउंट ए इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू रेस टू पार एन कितने से शुरू करना है हंड्रेड से और टू रेस टू पार थ्री करेंगे तीन हाफ लाइफ हैं पंद्रह दिन के अंदर क्योंकि पांच दिन की एक हाफ लाइफ है यू आर गेटिंग हंड्रेड अपॉन एट ंड्रेड अपॉन एट मतलब ट्वेल्व पॉइंट फाइव ग्राम आपके क्वेश्चन का आंसर दीज आर द्वार फाइव मतलब सी सी पार्ट तो याद रखने की बात यह है कि लेफ्ट आउट अमाउंट इस रिलेशन से कैलकुलेट होती है ए इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू रेस्टू पर एन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन फोर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखिए पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स तो बी ऑप्शन तो ठीक है बिल्कुल करेक्ट है बी ये जो के लेफ्ट पे है मैंने टी को लेफ्ट पे कर दिया तो बी ऑप्शन बन जाएगा अब इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं कैन इट बी रिटर्न एज वन अपॉन के नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स ठीक है तो अब के टी कर दो लेफ्ट पे इट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सिंबल्स चेंज कर देते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ए नॉट और कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम का सिंबल ए कैन इट बी रिटर्न एज के टी को अगर मैं माइनस के टी कर दूं तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन ए नॉट नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए उधर कर दिया एक्सपोनेंशियल ई रेस्टू पार माइनस के टी इज इक्वल टू ए अपॉन ए नॉट हैंस इट कैन बी रिटर्न एज ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पार माइनस के टी ये भी फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है दोनों इक्वेश का सेम मीनिंग है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये फर्स्ट ऑर्डर की लॉग रिथ्मिक फॉर्म है ठीक है अब ऑप्शन देखो सी ऑप्शन गलत है हमारा आंसर देखो क्या आ रहा है बी केयरफुल टू कंपेयर दैल्यूज फॉर सी ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है ए ऑन द लेफ्ट एंड ए नॉट ऑन द राइट पर सी में क्या लिखा है सी के अंदर ए को राइट पे लिखा है ए नॉट को लेफ्ट पे लिखा है तो इन करेक्ट इज दी ऑप्शन सी बाकी टी हाफ डी ऑप्शन वाला भी ठीक है डी ऑप्शन देखना है तो ऐसे कर सकते हैं इसी पे हम अब टी हाफ बना दें एट टी इज इक्वल टू टी हाफ ए इज इक्वल टू ए बाय टू तो आपकी ये इक्वेशन में चेंज आ जाएगा इट विल बी वन अपॉन के एल एन ए अपॉन ए बाई टू ए और ए कट गया सो इट इज वन अपॉन के इन टू एल एन टू ये आंसर एल एंड टू अपॉन के तो ये भी करेक्ट था सिर्फ एक ऑप्शन गलत थी लास्ट क्वेश्चन नाउ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएशन फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन आर गिवन इक्वलिब्रियम कॉन्स्टेंट हमें कैलकुलेट करना है क्या क्या वैल्यूज हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो ये और बैकवर्ड का भी गिवन है और इन दोनों के rate constant की रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है तो वैल्यूज पुट करिए वन पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू पार माइनस टू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू पार माइनस थ्री ये डिवाइड करने के बाद आप इसको चेंज करिए ये बन जाएगा चेंज करना पड़ेगा एक टाइम इस टू पर माइनस टू में है एक टाइम इस पर माइनस थ्री में है। सेम पावर्स करने के बाद सेवन पॉइंट थ्री थ्री वैल्यू आएगी आफ्टर डिवाइडिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम्स आउट टू बी सेवन पॉइंट थ्री थ्री मीन्स ऑप्शन ए राइट तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दोनों का रेशो होता है माइनस थ्री माइनस टू दो वैल्यूज दी थी कुछ कुछ आगे नंबर भी थे हमने दोनों को डिवाइड कर दिया हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि आपको फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड का अगर रेट कांस्टेंट पता है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो गॉट इट सो वी हैव टेकन अप मेनी क्वेश्चन ऑन द चैप्टर ऑफ केमिकल कैनटिक्स हाउ टू फाइंड आउटिब्रियम कॉन्सटेंट हाउ टू फाइंड आउट दी रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर फॉर सेकेंड ऑर्डर फॉर जीरो ऑर्डर निकाल सकते हो यूनिट ऑफ के को देख के भी ऑर्डर निकाल, निकाल सकते हो पर रेट के यूनिट्स कभी चेंज नहीं होते ऑर्डर कोई भी हो रेट के यूनिट्स रहेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड ऑलवेज वोल

इस चैप्टर का एक क्वेश्चन जरूर आता है एंड द फोकस शुड बी ऑन द वेरियस ऑर्डर्स फोकस शुड बी ऑन द आर्नियस इक्वेजन आर्नियस इक्वेजन में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करना है और के और टी के बीच में डिपेंडेंस हमें आर्नियस इक्वेजन से दिखती है हम आर्नियस इक्वेजन को दो फॉर्म्स में लिखते हैं टी वन अलग टेम्परेचर के साथ भी हम इक्वेजन लिखते हैं जो कि आप लॉक के टू अपॉन के वन के फॉर्म में लिखते हो राइट right? एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट आपको पता है दूसरे टेम्परेचर पे आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो तो ये चैप्टर के अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे की प्रैक्टिसिंग दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड होप यू आर इंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ अवर लेक्चर्स मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशन एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द रिवीजन ऑफ द टॉपिक थैंक यू एंड बाय बाय